क्या सीन चल रहा है, क्या सीक्वेंस बिठाया जा रहा है फिल्म का? सीक्वेंस भी बताओ आपको। ठीक है, ऑफिस में काफ़ी तोड़फोड़ हुआ आपके? अच्छा, मेरा नाम दिव्यलता है, मैं मूवी में लीड कर रही हूँ। मैं वो कैरेक्टर निभा रही हूँ जो बचपन में मैं भी किसी हरेसमेंट की शिकार हुई हूँ। एक डांस अकेडमी चला रही हूँ जहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने भी अटेम्प्ट किया सुसाइड के लिए। तो मेरे दिमाग में सोच आ रही है कि वजह क्या हो सकती है, जो बचपन में मैंने भी ऐसी कोशिश की, अब मेरे स्टूडेंट ने भी ऐसे कर लिया, तो इन वजहों को मैं जानूँ और उनकी सॉल्यूशंस भी मैं ढूँढूँ। तो मैं अपने दोस्तों की टीम के साथ में हम इसके ऊपर बहुत सारा काम करते हैं, वो सारा रिसर्च करते हैं, वर्कआउट करके ये प्रॉब्लम्स के जो जड़ है उसको भी ढूंढ निकालते हैं और सॉल्यूशंस भी ढूंढ निकालते हैं, जो एक कंपेनिंग शो के जरिए अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग शोज़ के जरिए पब्लिक को अवेयर करने के लिए ये कदम उठाते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि पॉलिटिशियंस, करप्ट पॉलिटिशियंस लोग, या पूरा सिस्टम ही हमारे अगेंस्ट हो जाता है। क्योंकि जैसा हमारे विक्रांत सर ने रिसर्च किया है, बहुत हार्ड वर्क करके उन्होंने ये सारी जानकारी हासिल की हुई है कि कई हज़ार करोड़ के फंड्स जो है सरकार से जारी किए गए इस स्टॉप चाइल्ड सुसाइड के मुद्दे को लेकर, लेकिन फिर भी ये सुसाइड होता जा रहा है। तो इसको कैसे रोका जाए और किस तरह से अवेयरनेस आकर ये परसेंटेज जो है ज़ीरो हो जाए, तो ये फंड्स क्यों नहीं पहुँच रहे, कैसे नहीं पहुँच रहे, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, इन सब मुद्दों को जब ये सब स्टडी करते हो तो उनको जो जो भी एक्सपीरियंसेस आए उन सब एक्सपीरियंसेस को मैं लीड करके प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से नए कलाकार होते हैं आमतौर पर रोमांटिक फिल्मों में काम करना चाहते हैं, अब इस तरह का मुद्दे पे काम करना कैसा लग रहा है आपको? देखिए, किरदार तो किरदार है, रोमांटिक मूवी करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ये जो रोल मिल रहा है इसको चैलेंजिंग नहीं कह सकती, लेकिन बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मुझे मिला है। इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ मैं कि एक ये ऐसा रोल है कि देखिए आज मैं ज़िंदा हूँ, आज लोग देखे तो मेरी ज़िंदगी के बाद भी ये मैसेज पहुँचाता रहेगा मेरा ये किरदार, जो बियॉन्ड मेरे इमेजिनेशन मुझे मिला है। तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि मुझे रोमांटिक तरह का किरदार मिले ना मिले, लेकिन कुछ ऐसा करने मिला है कि मेरी ज़िंदगी का इसमें सार्थक हो जाएगा। बस इतना हो कि हम कामयाबी से लोगों तक पहुँच सकें और बच्चों को बचा सकें। सर, दर्शकों से तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी तरह से वक्त निकाल के इस मूवी को ज़रूर देखें और हमारा मैसेज घर घर तक पहुँचे, पेरेंट्स तक पहुँचे, पूरी सोसाइटी में पहुँचे और ख़ासकर उन बच्चों तक पहुँचे जो बहुत मासूम और नासमझ होते हैं और नासमझी में ये ऐसा कदम उठा लेते हैं और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, जो कि बच्चे हमारे देश का, सारी दुनिया का फ्यूचर है। सर, एक टैलेंट जब कुछ एक खास चीज़ या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग लेकर आता है, जैसे न्यूटन हो गया, साइंटिस्ट लोग हो गए, हमारी इंदिरा गांधी हो गई, कई ऐसे सुपर हीरोज़ है, सुपर पर्सनालिटीज़ है, अगर ये बचपन में मिट जाते तो हम बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों से, मतलब हमें वो नहीं मिल सकी होती। तो बच्चे बच्चे तक पहुँचे, हर इंसान तक ये मुद्दा पहुँचे, तो सब लोग प्लीज़।